बिग बॉस के घर में रोज कोई न कोई ड्रामा देखने को मिल ही रहा है। फिलहाल घर में सबसे विवादित कंटेस्टेंट की बात की जाए तो प्रियांक शर्मा का नाम सबसे पहले सामने आता है। घर के अंदर प्रियांक के रवैये को लेकर जहां इन दिनों लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं, तो वहीं घर के बाहर मौजूद एक शख्स प्रियांक का खुलकर सपोर्ट कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रणविजय सिंह की। ये तो हर कोई जानता है कि प्रियांक रोडीज और स्प्लिट्स विला जैसे शो का हिस्सा रह चुके हैं और इन शोज को रणविजय होस्ट भी कर चुके हैं। बता दें कि प्रियांक ने बिग बॉस के शुरू होने के पहले हफ्ते में ही आकाश डडलानी पर हाथ उठाया था और इसके बाद सलमान ने प्रियांक को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब प्रियांक को एक दूसरा मौका मिला तो प्रियांक ने उसका गलत इस्तेमाल किया। वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में इस सिलसिले में रणविजय ने कहा, जब यह सब हुआ तो मैं स्पेन में था। जब मैं वहां से वापस आया तो मुझे प्रियांक का मिस कॉल आया था। मुझे ये जानकर काफी हैरानी हुई कि वह घर से बेघर कर दिया गया है। मैंने उससे पूछा कि उसे लगता है कि वो गलत है, तो उसने कहा कि वह गलत नहीं है। मैंने उससे पूछा क्या उसे उस घटना के बाद कोई मलाल है। उसने जवाब दिया कि मुझे जो ठीक लगा मैं उसके लिए खड़ा हुआ। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें लगा कि तुम सही हो तो तुम्हें उसके नतीजों से गुजरना होगा। कभी कभी जिंदगी में आप कुछ इसलिए भी कर जाते हो क्योंकि आप जवान हो, लेकिन अगर जो किया गया है उससे किसी सही वजह से किया गया है और अगर आप में उसके नतीजों को भी भुगतने की हिम्मत है तो ठीक है। मैं इस मामले में दूसरे पहलू को भी जानना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद कई रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुका हूं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी एडिटिंग की गई है। ऐसा कई बार होता है जब कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को कई बार भड़काते हैं। अगर आपने किसी अच्छे कंटेस्टेंट को इस व्यवहार के लिए घर से निकाला है तो बहुत ही अच्छी तरह से खेल खेला जा रहा है। तो देखा आपने, रणविजय ने खुलकर प्रियांक का सपोर्ट किया है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।